नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। वहां पर क्रेडिट लिमिट इंक्रीज मेरी हुई है, कैसे हुई है, कितने दिन में हुई है, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। वीडियो पहली बार देखे तो लाइक कर देना, चैनल ने सब्सक्राइब। यहां पर स्क्रीन देखिए, जैसा कि मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मुझे मैसेज रिसीव हुआ और मैसेज में लिखा था कि वहां पर जो क्रेडिट लिमिट है वो रिवार्ड के रूप में मुझे दी जा रही है और क्रेडिट लिमिट इंक्रीज 41,000 ऑन योर पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। तो अवेल फॉर फ्री, अवेल करना है यानी कि उसको लेना है, क्लेम करना है फ्री में। तो लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया, लिंक पे क्लिक किया, उसके बाद पेटीएम HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के वेबसाइट पे चला गया। और यहाँ पे चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि आपको अगर ऑफिशियल लगता है, और जैसा कि आपको एक बार, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखिए जो पेटीएम HDFC BN करके आया था, तो वो एक जेन्युइन, जो जिसने भेजा था मुझे ये क्रेडिट लिमिट, वो एक जेन्युइन लग रहा था, तब मैंने क्लिक किया। तो ऐसे हो सकता है कि जो फ्रॉड होते हैं वो भी भेजते हैं, हो सकता है नहीं इसी तरह से ही भेजते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो जेन्युइन नहीं है तो आप लिंक पे मत क्लिक करना, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ करके, और मान लीजिए अगर आप क्लिक कर भी देते हैं, तो जैसे कि मैंने लिंक पर क्लिक करके क्लेम करने के लिए गया, तो पेटीएम कह रहा हूँ HDFCBank.com वाली वेबसाइट खुली, तो ये एक जेन्युइन है और ये पेटीएम कह रहा हूँ HDFC बैंक की वेबसाइट है और पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पे आप डिटेल्स अपने शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका कार्ड का नंबर वहाँ पे शो हो रहा है और आपके नंबर पर OTP जाएगा। तो जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया, नंबर डाला वहाँ पे, कार्ड का नंबर ऑलरेडी मेरा वहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट आ रहा था, उसके बाद OTP मेरे नंबर पे आ गया। OTP डालते ही वहाँ पर मुझे जो HDFC बैंक है वहाँ पे लॉगिन हो गया क्रेडिट कार्ड में, और वहाँ पे मेरा कार्ड वगैरह पूरा दिखने लगा। और वहाँ पर योर क्रेडिट कार्ड इन्फिनिया मास्टर करके लिखा हुआ है, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करके मैं नीचे गया, वहाँ पे देखिए योर करंट क्रेडिट लिमिट इज 38,000 लिखा हुआ था, मतलब अभी की 38,000 की क्रेडिट लिमिट है मेरी। और आपने पहले वीडियो देखी होगी तो आपको पता भी होगा कि 38,000 की क्रेडिट लिमिट मेरी यहाँ पे थी। योर न्यू क्रेडिट लिमिट विल बी 41,000 रुपये। तो अब 41,000 रुपये क्रेडिट लिमिट हो गई है, और वहाँ पर जो पहले 38,000 थी और अब 41,000 हो गई है, तो 3,000 की क्रेडिट लिमिट मेरी यहाँ पर बढ़ी है, अमाउंट बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है, एग्री करने के बाद कंफर्म न्यू लिमिट पे आप क्लिक कर देंगे, तो फिर से एक बार आपको OTP जाएगा और OTP यहाँ पे आपको डालना है, डालने के बाद एक्टिवेट न्यू लिमिट कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह से कुछ स्क्रीन आपको दिख जाएगा, ऊपर कार्ड दिख जाएगा आपको, और आपका जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस्ड है, प्रोसीड हो चुका है, यानी कि कंफर्म कर दिया गया है उनके एंड पे, और न्यू लिमिट मेरी जो है वो मुझे मिल गई है। और उसके बाद अब आपको ये बता दूं कि कितने देर बाद ये एक्टिव हो जाता है आपके होम पेज पे। तो आप माई कार्ड जो लॉगिन करते हैं HDFC बैंक में, तो वहाँ पर आप करेंगे और उसके होम पेज पे चले जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अवेलेबल लिमिट आप देखेंगे, तो इंस्टेंट उसी टाइम आपका लिमिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मेरा पहले 38,000 वहाँ पे शो हो रहा था, लेकिन अभी 41,000 हो रहा है। और मैसेज भी आपको रिसीव हो जाता है कि आपने जो चूज़ किया है, राइट चॉइस टू अवेलिंग हायर क्रेडिट लिमिट, नाउ HDFC बैंक गॉट समथिंग मोर, इस तरह से करके आता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि मेरी क्रेडिट लिमिट जो है वो किस तरह से बढ़ी। मैंने पिछले दिनों काफ़ी कम अमाउंट यूज़ किया पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का। एक महीना तो ऐसा भी गया है पिछले 6 महीने की मैं बात करूँ जिसमें मैंने यूज़ ही नहीं किया है, और यूज़ भी किया है तो 600-700 इस तरह से कुछ करके मैंने यूज़ किया है, मतलब 2,000-3,000 से ज़्यादा की लिमिट मैंने यूज़ नहीं की है। और पिछले कुछ वीडियोस में मैं कह भी रहा हूँ कि आप जब भी कोई क्रेडिट लिमिट पे लेटर लिमिट लेते हैं तो उसका 30-40% ही आप यूज़ करिए, तो आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने पिछले 6 महीने या 3 महीने की अगर बात करें तो पेटीएम HDFC बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है बहुत कम ही अमाउंट उससे मैंने यूज़ किया है। मैक्सिमम अमाउंट मैंने शायद उसका यूज़ किया था, कुछ रिक्वायरमेंट थी तो करीब वही 22,000 के आसपास किया था, उसके बाद ऐसे हो ही रहा था उस पर यूज़। लेकिन अब वहाँ पर मैंने पिछले 3 महीने 6 महीने में ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अब मेरे माइंड, मुझे भी अब ये रहता है कि कम ही अमाउंट यूज़ करना है, और क्योंकि कई कार्ड है तो सबका 10%, 20%, 30% तक यूज़ कर लेता हूँ ताकि क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ होने के चांसेज़ रहें। तो ये एक पहला रीज़न है, और दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो भी गया था, लगभग शायद 1 साल हो गया होगा पेटीएम HDFC बैंक को क्रेडिट कार्ड को लिए हुए, तो मुझे लगता है कि जो 1 साल होने वाला है या हो चुका है उसकी वजह से भी शायद एक चांस बना हो कि 1 साल हो गया है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो मेन रीज़न मुझे लग रहा है वो मैंने क्रेडिट लिमिट जो है पिछले 3-6 महीने में बहुत ही कम यूज़ की है, 30% के नीचे ही अमाउंट मैंने यूज़ किया है क्रेडिट लिमिट का, मतलब 38,000 था तो लगभग 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000
इस तरह से, इससे ज़्यादा अमाउंट को मैंने यूज़ नहीं किया। तो यही मुझे मेन रीज़न लग रहा है। तो आप भी अगर कोई भी क्रेडिट लिमिट पे लेटर सर्विस का आपको क्रेडिट लिमिट मिला है तो आप 30-40% ही अपना यूज़ करें, 20% ही यूज़ करें, तो आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो मुझे रीज़न नजर आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे से कुछ रह गया या कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं डिटेल में, ताकि मुझे भी पता चले, लोगों को भी पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।